Good evening, friends. Followers of Kabir are many, but practitioners are few. So today, the Alka Jalan Foundation brings to life, through her magical rendering, the multi-talented Shabnam Birmani. She is passionate about her study and craft, exploring, experiencing, documentation and archiving are a part of her DNA. A filmmaker, an artist in residence and Bangalore's Srishti School of Design, she is in Kolkata to share her immense knowledge. From folk songs to Kabir Dohas, oral traditions to mystic poetry, she is involved in a web museum that is in the making, bringing together the subcontinent's rich milieu involving communities. So the fascinating journey starts. Poetry song from her heart to our hearts. Thank you. I invite Uma Ji from the Jyotirmay to say a few words. अलका जलान फाउंडेशन के सौजन्य से आज ज्योतिर्मयी एग्जीक्यूटिव ज्ञान ज्योति अपनी सदस्याओं को कबीर की वाणी का आनंद देने में सक्षम हुई है। ज्ञान ज्योति का उद्देश्य अध्यात्म, यज्ञ, हवन, मंदिर दर्शन आदि कार्यक्रम का आयोजन करना है। आज का यह प्रयास उसी श्रृंखला में एक कड़ी है। चींटी के पग नुपुर बाजे, चींटी के पग नुपुर बाजे, वो भी साहेब सुनता है, वो भी साहेब सुनता है। तो आइए सब मिल सुनते हैं शबनम जी से संत कबीर के दोहे एवं भजन, और उस सूक्ष्म को जानने और समझने का प्रयास करते हैं जो संत सूफियाने तरीके से अपने दोहों रचनाओं में बार बार हम सबको समझाने का प्रयास करते हैं। तो शबनम जी। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। कोयल की कूकू के साथ साथ कुछ पेश करने का मौका मिल रहा है इस खूबसूरत माहौल में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अलका जलान फाउंडेशन को, उमा जी को, सुरेखा जी को, फॉर पुटिंग दिस इवनिंग टुगेदर। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर द वार्मथ विद विच यू हैव कम हियर। ऑन कीजिए। हेलो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी कोई औकात नहीं है इस मंच पे बैठने की, क्योंकि जिन गुरुओं से मैंने सीखा है वो इस देश, इस भूमि के गांवों के कलाकार हैं, सूफी भक्ति कलाकार। प्रहलाद टिपनिया जी, कालूराम बामनिया, महेशाराम जी, इन सब लोक गुरुओं से के साथ की सोबत में कहना चाहिए कुछ इस बानी का नशा, इस बानी की गहराई थोड़ा सा जहन को छू गई। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम इस बानी को सुनने, तो मैं अपने आप को आई लाइक टू कंसिडर माई सेल्फ डीपली पर्सनली एड्रेस्ड, एंड आई इन्वाइट एवरीबडी हियर टू कंसिडर देमसेल्व्स। दिस इज़ नॉट ज्ञान जो हम दुनिया को प्रीच करने जाएंगे, सबसे पहले इसकी चोट हमारे दिलों में लगे। सो लेट अस ट्रीट दिस इवनिंग एज अ सॉर्ट ऑफ अ चिंतन मनन, एन अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट एंड मे बी आस्क सम टफ क्वेश्चंस ऑफ आवरसेल्व्स। तो ये पहला भजन मैं आपको सुनाऊंगी, ये एक्चुअली एक वॉन्डरिंग सिंगर से मैंने सुना जो इंदौर के कबीर बाबा कहलाए जाते हैं। आप जो जो ये भजन सुना रही हूँ आपको, आपको हमारे अजब शहर यूट्यूब वेब आर्काइव पे सुनने को मिलेंगे जिन गुरुओं से मैंने सीखा।
भजन बिने मन बांवरे, तूने हीरा जन्म गवाया। अब हीरा एक बहुत बड़ा प्रतीक है इस परंपरा में, ना सिर्फ इस जन्म के लिए, क्योंकि जन्म की बात जब आती है ना तो वी टेंड टू गेट अ लिटिल लेजी बिकॉज वी ऑल थिंक वी हैव लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट। अभी तो जन्म पड़ा है, बदलना है तो कल बदलेंगे, आज क्या जरूरत है। सो आई डोंट लाइक दिस आइडिया ऑफ जन्म। एंड इन द ट्रेडिशन द हीरा इज ऑल्सो इन्वोक्ड एज एन इमेज फॉर आर ब्रेथ, इन अदर वर्ड्स दिस मोमेंट, नथिंग मोर नथिंग लेस। सो द चैलेंज बिकम्स अ लिटिल टफर। तूने ये हीरा जन्म गंवाया, वो तो चला गया, गंवा दिया, समय नहीं है। साधु कहे सगराम हाथ में हीरो आयो। सगराम एक कवि का नाम है राजस्थान की बोली में। साधु कहे सगराम हाथ में हीरो आयो, दियो मु रख रे हाथ बंदे एड़ो गमायो, गमावत गमावत गमा दिया जद हीरो रहो एक, आयो हीरा रो पार खूं जद रोयो माथो टेक, रोयो माथो टेक एड़ा में घणई गमाया। साधु कहे सगराम हाथ में हीरा आया। तो ऐसी नौबत ना आए कि जब हमारे पास शायद एक ही हीरा बच जाए तब उसकी परख जागे, उससे पहले ही जग जाए। भजन बिने मन बावरे, बावरे तूने हीरा जन्म गवाया। भजन बिने मेरा
प्रॉब्लम इज दिस इज नॉट ऑल दैट वी से मेरा मेरा टू. कितनी चीजें हैं जिनके प्रति ये मेरा का भाव आता है. रिलीजन, कंट्री, कॉम, भजन बिने Hopefully, we felt like the Bambara Kabir is speaking to, or the Bambari. And we got a flavor of that which we are clinging a little too tightly to. We got a flavor of that delusion that he says we are in the grip of if we are clinging tightly to any of these categories. I'm going to share a मैं इसको एक कॉन्सर्ट ना समझ के एक सत्संग समझना चाहती हूँ. तो आप प्लीज़ फील रिलैक्स्ड टू फ्री बी फ्री टू मूव टू क्लैप इफ़ यू फील लाइक इट. बीच में अगर किसी को कुछ फरमाइश करनी है वो भी हो सकती है. तो लेट्स रिलैक्स द एनर्जी बिटवीन अस. मैं चाहूँगी कि आज मैं आपको कुछ कबीर सुनाऊँ, और चूँकि कोलकाता में हूँ कान पकड़ के एक बाउल भी सुना दूँगी आपको. और शायद एक खुसरो भी जो आजकल मेरे जहन में घूम रहे हैं. तो एंड इफ देयर इज समथिंग दैट समबडी वांट्स टू हियर प्लीज चलते चलते प्लीज डू से. ये अगला भजन बीकानेर राजस्थान से है, एंड इट्स अ वेरी पावरफुल, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कॉल. ये हैं मान सिंह, जो एक एक्चुअली राजा हुए थे बीकानेर के.
तो ये मारवाड़ी का भजन है। और वो कह रहे हैं अगम घर जोवियो। हम दरअसल अपनी अपनी कुटियाएं कायम करने में अपनी पूरी ज़िंदगी बसर करते हैं, वेदर इट इज़ आर पर्सनल होम्स और आर शॉप्स ऑफ ट्रेड और आइडेंटिटी और रिलीजन, दैट्स व्हाट वी आर इन द बिजनेस ऑफ डूइंग। कबीर एंड द संत्स विल आस्क अस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टू बर्न डाउन योर हाउस, जला दो ये कुटिया, तब आप कुछ एक चखेंगे राम रस। मे बी आई विल सिंग दैट सॉन्ग टू। इस भजन में वो कह रहे हैं कि मैंने एक अगम घर देख लिया। अगम यानी जहाँ जाया ना जा सके, जहाँ पहुँचा ना जा सके, जिसका कोई आकार नहीं, कोई ब्रांड आइडेंटिटी नहीं। अगम घर, वो घर देख लिया मैंने, आई ग्लिम्स्ड इट, अब मैं पलटू ना आए, नाउ देयर इज नो टर्निंग बैक। तो ये मुझे बहुत इट रियली इंस्पायर्स मी, बिकॉज आई फील हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में झलकियाँ तो पाते हैं कुछ सत्य की, एक फ्रीडम की, एक खुलेपन की, जिसमें ये सब चीज़ें जो हमें जकड़ के रखी हैं वो झड़ जाती हैं। बट दैट इंसाइट गोज़ अवे, वी कम बैक टू आर ऑर्डनरी वेज ऑफ लिविंग एंड बींग, विच इज़ वेरी मैं तू तू, मेरा मेरा तेरा तेरा, ऑल दैट क्रैप। सो दिस पोएट इज सेइंग अब मैं पलटू ना आए, ही इज़ कॉट होल्ड ऑफ दैट मोमेंट, एंड दैट रियली इंस्पायर्स मी, बिकॉज आई फील येस वेन इट कम्स हैंग ऑन टू इट, कुछ सच में पलट के देखो, गिव अप दिस टेपिड मीडियोकर लाइफ, यू नो। तो ही सेज मैं मेरो मुझसे मिलियो, दू जो है ना पाए, अब एक ही बच गया, देर इज़ नो अदर, कोई दूजा है ही नहीं, चाहे आप उसको मुसलमान कहना चाहो या पाकिस्तान कहना चाहो या गे कहना चाहो या जो भी आप की अपनी पेट हेट है, सबकी अपनी अपनी है, चाहे बंगाली या मारवाड़ी कहना चाहो, वी ऑल हैव आर अदर्स, राइट, होम वी अदर। सो ही सिंग अब तो कोई बचा ही नहीं, मैं मेरो मुझसे मिलियो रे, दू जो है ना पाए, दर स्यो रे अपने रूप ने, आई हैव ग्लिम्स्ड माई ट्रू सेल्फ हु इज़ बियॉन्ड ड्यूअलिटी, बियॉन्ड अस एंड देम, तन सो मन समझाए, ये दिस विजडम केम टू मी फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द बॉडी, नॉट द दिमाग। दिमाग का काम है भटकाना, डाउट में डालना, नारी नर मुझ में ना बने, ना कोई भाव अभाव, ही इज गोइंग बियॉन्ड जेंडर, ग्रहण त्याग कछु ना बने, देर इज नो कंजम्पशन, नो रेनंसिएशन, सुध ही सुध सब भाव, है कहूँ तो ना बने, ना भी कहो नहीं जाए, है नहीं के मध्य में जोया आप समाए। तो दिस प्लेस, दिस नॉन ड्यूअल प्लेस इज वेयर द पोएट्स टेक अस। देवनाथ गुरुदेव है रे सैन में समझाए, सैन इज कॉग्नेट विद साइन एन इशारा, वो इशारे में बात करता है मेरे से, मेरा गुरु। मान सिंह द पोएट, मिलियो उना सैन में, मान हैज़ मर्ज्ड इनटू दैट इशारा, क्या किन ने बताए, अब मैं क्या बोलूँ इस स्टेट के बारे में। लेकिन कबीर और सभी पोएट्स की तरह वो बोलते हैं, वो काव्य रचते हैं, वो इशारा करते हैं उस अकथ कथा की ओर। It's an extraordinary poem. If we can intuit that experience it is pointing us to. हाँ और ना के बीच में है,
जो कुछ है सो है। हाँ या गम घर जो भी हूँ, अब मैं पलटू ना जोगिया अब मैं पल thank you.
सजनी प्यारी रे अपने पियू ने जगा, पियू जी सुतो सुख भर निंदर माए, पियू जी ने मनाई लेना जगाई लेना। The beauty of these traditions is that I first heard this song from Muralala Marwadaji in Kutch. And then for a festival of Kabir, I was invited to Lahore. And when I went to Pakistan, from the Cholistan desert, I met a Kabir Panthi Mandali, and they sung out the same song to me. And that's the version I'm going to sing for you. Because truth knows no borders. And truth doesn't need visas to go to and fro. बहुत ही सुंदर रचना है जिसमें कबीर कह रहे हैं
प्यारी सजनी रे अपने पियू ने जगा। और एक जगने की प्रक्रिया महसूस होती है इस देह में, इस शरीर में। नाभि कमल के माए नागन एक झूल रही, कुंडलिनी की ओर इशारा है। पांच चोर उसके साथ जिवड़ो बुझो या हरी। सो द फाइव सेंसेस, पांच जो इंद्रियां हैं, अगर उनको हमने अपने अपने वर बना लिए, पांच वर, तो हमारा जीव बुझने वाला है। हृदय कमल के माए इन द हार्ट लोटस, ये चक्रों की बात है। सुरता जागी एन अवेयरनेस बिगैन टू अवेकन। चार पुरुष वेरे लारे जिवलो जगोया हरी। चार पुरुष सत्य शील समाधि और संतोष। भावर गुफा के माए भावरो गुण क्यों। देर इज द साउंड ऑफ अ बी बजिंग इन दिस केव। महक महक आवे वास निंदड़ा किस विध आवे हरी। अब अगर आपकी ऊर्जा यहां तक पहुंच गई तो अब सोना नहीं होगा। नो गोइंग बैक टू अनकॉन्शियस वेज ऑफ लिविंग। मगन भया है दो नैन पिया पल खोलो रे। मेरे नैन मगन हो गए हैं। दिस इज अ सिंबल फॉर एन इनवर्ड लुकिंग स्टांस। हमारी आंखें ज्यादातर बाहर की ओर टिकी रहती हैं कि बाहर से हमें पिया मिलेगा, बाहर से सत्य, बाहर से सुकून, बाहर से चैन। जब आपके नैन थोड़े भारी होके मगन होते हैं तब आपको सुकून और चैन कहीं और से मिल रहा होता है। ओ फॉर दैट स्टेट। अब पिया आप अपने पल खोलो, मैं तैयार हूं। भड़के सो उड़ गई मारी नींद, आई एम अवेकंड। पिया हंसे बोलो सही, प्लीज स्पीक टू लविंग वर्ड्स टू मी। दिस पिया, यहां वाला पिया। कहें कबीर विचार कोई नर जागे। कोई कोई नर नारी ऐसी होती है जो इस प्रकार से जगती है। आया आया गुरा जी रे द्वार, गुरु के द्वार पे हम पहुंच गए। भरमना सब भागी हरी, सब डिल्यूजन्स हैव फ्लेड। सो इट्स अ वेरी डेलिकेट लविंग सॉन्ग ऑफ पर्सुएशन टू एन इनर पिया। जब मैंने पहली बार ये दोहा सुना, आई थॉट इट वॉज क्वाइट अ टॉक्सिक काइंड ऑफ लव, हाईली पोजेसिव। अगर मैं, आई वोंट लेट यू सी एनीबडी एल्स, आई वोंट सी एनीवन एल्स, ये क्या बात हुई। फिर थोड़ी सी समझ जागी एंड वन अंडरस्टूड द ब्यूटी, द पावर, द वैल्यू ऑफ एन अटरली इनर डायलॉग which you do not sully, you do not dilute by telling the world about it. Ek baul song hai, kichu din mone mone ghorer kone shamir pirit rakh gopone. Lekin hamara zamana abhi aapka mazhab, aapki faith ko elan karne wala loudspeaker wala zamana hai, whereas these bhaktas will point us to a very very inner dialogue that you don't reveal to the world. Naina kar tu kothdi aur putli sej bichhaye, palkon ki chikdar ke यहाँ साईं दिया रिझाए।
make a bedroom of your eyes. Please your Lord here. Tukaga sabtano khayo chun chun khayo maas ye do naina mat khayo mohe piya milan ki aas. To pritam ke patiya likhu प्रीतम के पतियां लिखूं जो वो बसे विदेश तन में मन में नैनन में ताको कौन संदेश तो राम हमारा जपूना कर जपू और मुख से कहूं न राम राम हमारा हमें जपे हम पायो विश्राम. दिस इज द राम दैट कबीर इज पॉइंटिंग अस टू नॉट द राम ऑफ अयोध्या मंदिर इनर राम आत्म राम. आत्म राम आपको आप पा लिए तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. आपको भले मंदिर मिल जाए आप खौफ में ही जीते रहेंगे पर आत्म राम जिसके पास आ गया उसको उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. ये आध्यात्मिकता ये कबीर के राम. प्यारी सजनी प्यारी सजनी रे
गुफा के ने शायद कुमार गंधर्व जी के कबीर को सुना होगा, तो ये कुमार जी का एक उनकी रचना है और इसमें भी बात हो रही है जगने की। और कबीर कह रहे हैं कई किस्म के, इट्स अ काइंड ऑफ अ मेडिटेशन ऑन अवेकनिंग। तो हम कह सकते हैं कि हम जगे हुए हैं, लेकिन फिर बार बार ये सूफी संत बार बार हमें जागने के लिए क्यों कह रहे हैं? अरे भाई, मैं तो जागा हुआ हूँ, जागी हुई हूँ। सो व्हाट इज दिस अनकॉन्शियसनेस दैट दे आर पॉइंटिंग अस टू? इसमें कबीर कहते हैं,
मैं जागूं हरा सतगुरु जागे आलम सारी सोवे. आई एम अवेक, माई अवेयरनेस इज अवेकन्ड, बट द होल वर्ल्ड, दिस इज टिपिकली कबीर सेल्फ अश्योर्ड एरोगेंस. पूरी दुनिया सोई हुई है, मुझ जैसा कोई नहीं. ऐसा कोई ना मिला, कबीर कहते हैं, देर इज अ लोनलीनेस ऑफ दिस क्वालिटी ऑफ अवेकनिंग. ऐसा कोई ना मिला जिनसे रहियो लाग, सब जग जलता देखिया अपनी अपनी आग. मैं जागूं हरा सतगुरु जागे आलम सारी सोवे. एक तो जागे है बन का मिरगवा, भटक भटक निंद्रा खोवे. ये एक प्रकार का जागना होता है जो अक्सर हम सब का जागना है. इन अ स्टेट ऑफ वरी एंड कॉन्स्टेंट फ्रेंजी हम जगे हुए हैं, पर कैसे. एक तो जागे है जंगल का राजा, अपनी सूरत राज में लावे. नाउ पॉलिटिक्स ऑफ द किंगडम कैन कीप यू अवेक ऑल नाइट, दैट इज अनदर काइंड ऑफ वेकिंग. एक तो जागे है जंगल, एक तो जागे है बालक की माता, अपनी सुरता बालक में लावे. वी ऑल नो, ऑल द मदर्स इन दिस ऑडियंस नो कितनी स्लीपलेस नाइट्स होती हैं. वो एक ममता की के प्रति एक जागरण होता है, ऑफ अटैचमेंट, राइट. एक तो जागे है जंगल का साधु, असीका, अपनी सुरता खुद में लावे, अपनी सुरता हम में लावे. एन एवर प्रेजेंट अलर्टनेस टू व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर हार्ट एंड माइंड. जब हम कहते हैं मैं बड़ी चैरिटी करती हूँ, वेरी गुड. अगर आप सजग एंड अवेक हैं, यू माइट इन्वेस्टिगेट द हार्ट ऑफ योर चैरिटी एंड फाइंड अ नॉट सो ग्लोरियस मोटिव. आपका मोटिव अगर सेल्फ ग्लोरी है तो क्या चैरिटी. इट्स द मोस्ट सलीड फॉर्म ऑफ चैरिटी एवर. तो ये एक छोटा प्रतीक, इफ वी आर अवेयर व्हाट आर ट्रू मोटिवेशंस आर, फ्रॉम व्हिच स्टेम आर एक्शंस. Done.
Forgive me my Punjabi accent, right? I know Bangla people are very proud of their bhasha, so this is a bit risky. Parvati Baul is a very dear friend, and I heard and learnt this song from her, but it's a very famous song. Mon cholo nij niketan. सुना है किसी ने? इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम एंड आई एम टोल्ड दैट विवेकानंद सैंग दिस व्हेन ही फर्स्ट मेट रामकृष्ण परमहंस. इट्स अ पोएम बाय अयोध्यनाथ पकराशी.
मन ऐ मेरे मन, ये मैं अक्सर अपने आप को गाती हूँ आते जाते। मौन चलो निज निकेतन, यूल सीरियसली फॉरगिव मी व्हेन आई मेक द एरर्स इन प्रोनाउंसिएशन। मन चलो अपने खास, अपने ही निज निकेतन घर, बहुत हो गया अब अपने घर चलो, वापस लौट चलो। संसारे विदेशे, विदेशी रो बेशो बेशे भ्रमो केनो औकारोणे, ये पूरा संसार, ये जो जंजाल में आप फंसे हुए हैं, ये विदेश है, और यहाँ क्यों तुम घूम रहे हो किसी पराए के कपड़ों में पहनते हो पहने हुए। इट्स सच अ पावरफुल पोएटिक इमेज, यू नो द इमेज ऑफ यू नो सडनली फीलिंग लाइक व्हाट एम आई डूइंग हियर, हुज क्लोथ्स आर दीज दैट आई एम वेयरिंग, दीज क्लोथ्स दैट आई थॉट वर माइन, दीज क्लोथ्स आर आर आइडेंटिटी, the things that we feel fiercely are us. Can you feel that sense of alienation sometimes? It's very healthy. I believe that the Satsang Jagran tradition of this country is a ritual enactment of what I like to call non-self. It's very healthy for all cultures to disengage from their identities. वो जो हम गर्व और अस्मिता से अपना मानते हैं उसको छोड़ दो यार, तुम इससे कहीं कहीं और हो, इसके परे हो। ये संत और सूफी लोग हमको कहते हैं, निर्गुण राजा पर सिरगुण सेज बिछाई। सो लेट्स कनेक्ट विद दैट निर्गुण राजा हु इज बियॉन्ड दीज क्लोथ्स वी कॉल आर ओन। सो द पोएट हियर इज सेइंग, ये जो पांच विषय हैं ये पराए हैं, इनके इनकी आशिकी में आके तुमने अपना जो आशिक था मन का उसको गंवा दिया, भुला दिया। मन चलो अपने निज निकेतन, और ये रास्ता है सत्य पथ का, टेक द रोड ऑफ ट्रूथ। और साथ में प्रेम रालो जाली, मतलब प्रेम की दिया के साथ, प्रेम ही है एक चीज जो आपको रास्ता दिखाएगी। दैट इज द ओनली आंसर टू शो यू द राइट वे ऑन द पाथ ऑफ ट्रूथ। संगते संबल रेखो रे पुण्य धनो, अपने साथ पोजेशंस क्या ले जाओ इस जिंदगी के सफर में, पुण्य धन, ओनली व्हाट गुड यू हैव डन इज योर ट्रू पोजेशन, ऑल द रेस्ट हैंग इट। गोपो ने अति ज्योतो ने, मतलब बहुत जतन से इसको छुपा के रखो, ऐलान मत करो कि मैंने ये किया। साधु संग नामे आछे पाथे पोथो धोम, मतलब इस रास्ते में जब आप थक जाओगे तो संगत के लिए, सत्संग के लिए कुछ जगह आएगी, एंड यू कैन रेस्ट योर वियरी लिम्स देयर एंड आस्क द वे from other seekers on the path. Pothikero kore shorbosho moshono, matlab raste mein bahut daku log milenge kiske lobh moh adi, pothe dushyagono, raste mein daka dalne wale aap hi ke man ka lobh hai aur aap hi ke man ka moh। पथिकेरो कोरेश्वर बशो मोशनो, मतलब यू विल बी स्ट्रिप्ड एट द हैंड्स ऑफ योर ओन ग्रीड। परमो जतने रेखो रे प्रहरी, बॉडी गार्ड्स रखो इनसे बचने के लिए। शमो दमो दुई जोने, क्वाइटिट्यूड रिस्ट्रेंट, दोज आर योर बॉडी गार्ड्स। निकेतने संसार विदेशे, विदेशी रेशे भ्रम केनो अकारणे,
পথে মন করো আরোহণ, প্রেমের আলো জ্বালি চলো আরোহণ, সত্য পথে মন করো আরোহণ, প্রেমের আলো জ্বালি What?
To a close with two Sufi songs, unless there's a strong request from someone. Yes? All right, okay. O Sadho? What is O Sadho? Sadho to har bhajan mein aata hai. Kaun sa? Huh? I don't think halke gaadi haanku, but what is O Sadho? Huh? Okay. So, yes? O Chintu. Okay. Let me get into my comfort zone with this song because it is in Punjabi. I don't know, कान पकड़ के गाने वाली हूँ क्योंकि आप सब ने सुना होगा ये सॉन्ग कोक स्टूडियो पे आबिदा परवीन की आवाज़ में. तू झूम एंड नसीबो लाल. सो आई एम गोइंग टू डू माय सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ इट. पीड़ा नू मैं सीने लावा ते मैं हस दी जावा दुखा दे नाल धुप्पां दे नाल धूपों से लड़ लड़ के मैं लबियां अपनी छावां दुख भी अपने सुख भी अप में मैं ते बस ऐ जाना दिल नू ऐ समझावां तू झूम 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 झूम. मैं दीवानी कुछ नहीं जाना मस्त होके गावा दुनिया राजी कर भी लईए फिर भी चैन नहीं आना सारी खुशियां मिल जावन ते पिछे की रह जाना तेरे बस में कुछ भी नहीं है दिल नू ऐ समझावा तू झूम 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 झूम. मैं उत्ते अपनी औकात तू मैं राजी अपनी जात तू दुनिया फिकर नहीं मेरी मैं समझ गई हर बात नू
की करना है उच्चियां शाना नू, की करना है आसमाना ने हथ लाना नू। मैं हंसते हंसते है जीना, मैं निकल गई घुमाना तू। एंड इट एंड्स मोस्ट ब्यूटिफुली बाय सेइंग, मैं ते मेरे वर्गियां। यू नो वी कीप कंपेयरिंग आरसेल्व्स विद अदर्स, राइट? और द वर्ल्ड कीप्स कंपेयरिंग अस विद अदर्स। सो दिस इज पॉसिबली अ 50s मोमेंट वेयर विद ग्रे हेयर यू कैन से विद अटर क्लैरिटी फाइनली, मैं ते मेरे वर्गियां, आई एम जस्ट लाइक माई सेल्फ, कि खुद खुद को लू शर्माना। दुनिया राजी कर भी लई है फिर भी चैन नहीं आना, जो है तेरा लब जाएगा करके कोई बहाना। दिस इज अ ब्यूटिफुल पोएम बाय अदनान धूल फ्रॉम पाकिस्तान।
हथ लाना है आसमान हसदे हसदे है जीना दुनिया राजी खर भी लाई फिर भी चैन नहीं होना जो है तेरा लब जाएगा करके कोई बहाना तेरे बस में कुछ भी नहीं है दिल न समझावा तू जो तू जो तू जो मजो नाल लड़ लड़ के मैं लपिया अपनी छावा दुख भी अपने सुख भी अपने मैं ते बस है जाना तेरे बस में कुछ भी नहीं है दिल नु है समझावा तू झूम 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 ये because many people requested it. And then I will end with an Amir Khusro. Mat kar maya ko ehkar, mat kar kaya ko abhiman kaya gar se kachi. Mat kar maya ko ehkar, mat कायागार से काची काया जैसे उस रामोती झोंका पवन का लग जाए झपका पवन का लग जाए काया धूल हो जासी मत कर माया को अहंकार मत कर काया को अभिमान कायागार से महाराज जिनका मुल्कों में राज जिन घर झूलता आती ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में राज जिन घर झूलता आती जिन घर झूलता हाथी जैसे उस रामोती झोंका पवन का लग जाए लग जाए काया धूल हो जासी ऐसा सिंह भरिया सिंधड़ा रो तेल जहां से रचो है सब खेल चल रही दिया की बाती भरिया भरिया सिंधड़ा रो तेल जहां से रचो है सब खेल चल रही दिया की बाती जल रही दिया की बाती जैसे उस रामोती झोंका पवन का लग जाए झपका पवन का लग जाए काया धूल हो जासी खुट गया सिंधड़ा रो तेल भी घर गया सब निज खेल बुझ गई दिया की बाती खुट
टूट गया सिंधड़ा रो तेल भी खर गया सब निज खेल बुझ गई दिया की बाती बुझ गई दिया की बाती जैसे उस रामोती झोंका पवन का लग जाए झपका पवन का लग जाए काया तेरी धूल हो जासी मत कर माया को अहंकार मत कर काया को अभिमान काया गार से काची झूठा माई थारा बाप झूठा सकल परिवार झूठा कूटता छाती झूठा माई थारो बाप झूठा सकल जम ले जासी आह लाल में का लाल तेरा कौन क्या हवाल जिनको जम ले जासी जिनको जम ले जासी जैसे उस रामोती झोंका पवन का लग जाए झपका पवन का लग जाए काया धूल हो जासी भवानी हो नाथ गुरु जी ने सिर पे धरिया हाथ जिन से मुक्ति हो जासी बोलिया भवानी हो नाथ गुरु जी ने सिर पे धरिया हाथ जिन से मुक्ति हो जासी जिन से मुक्ति हो जासी जैसे उस रामोती झोंका पवन का लग जाए झपका पवन का लग जाए काया धूल हो जासी मत कर माया को अभिमान मत कर काया को अहंकार काया घर से काची काया घर से काची close, I will share with you an exquisite composition by a very, very beautiful singer, Mukhtiyar Ali. I don't know how many of you have had the good fortune to hear Mukhtiyar Ji from Puggal, Bikaner. This is his composition and this is the first time I'm attempting it on stage. थोड़ा सा नशा हो गया है इसका सो आई जस्ट हैव टू सिंग इट अमीर खुसरो वॉज वेरी फेमस फॉर हैविंग कंपोज्ड द मदर ऑफ ऑल कव्वालीज जिहाले मिस्की मकुंत का फुल डुराए नैना बनाए बत्तियां नाउ व्हाट इज वेरी वेरी अनयूजुअल अबाउट दिस कंपोजिशन इज दैट One line is in Farsi and the second line is in Hindi, Hindavi, okay? So it is the subcontinent's first possibly dual language Qawwali. Of course, I'm not going to sing it as a Qawwali. I'm not even going to have rhythm.
but it is so exquisite. And you will, of course, understand the Hindi when you hear it, but I'll give you a sense of what the Farsi is also saying. But first I shall retune. जिहाले मिस्की, ये मिस्कीन इस अभागन, दिस रेचेड वन, इसका हाल इग्नोर मत करो. मकन जिहाले मिस्कीन मकुन तगाफुल, चुराए नैना या डुराए नैना बनाए बतिया. मेरा पिया कैसा है, मेरे से नैन चुरा रहा है और बातें बना रहा है, और मेरा ये जो हाल है उसको नज़रअंदाज कर रहा है. किताब हिजरा नदारम ऐजा, कि अब ये हिजर मुझसे सहा नहीं जाता, ये जो विरह है, सेपरेशन, अब सहन के पानी सिर से निकल गया. न ले हो काहे लगाए छतियाँ, क्यों नहीं तुम मुझे अपने छाती से लगाते. शबाने हिजरा दराज चू जुल्फ, वारोजे वसलत चू उमर कोटा. वो हिजर की रात, वो सेपरेशन की रात इतनी लंबी है जैसे उसका जुल्फ. वारोजे वसलत, और वो रोज मिलन का इतना छोटा है जैसे जिंदगी. यू सी द रिवर्सल ही इज डूइंग हियर, इट्स वेरी ब्यूटिफुल. द लवर्स ज़ुल्फ इज एक्चुअली लॉन्गर देन लाइफ इटसेल्फ. सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां. यकायक अज दिल दो चश्मे जादू, अचानक इस दिल को दो मदहोश भरी आंखों ने बसद फरेबा बबुर्द तस्की. I was plundered by two magical eyes. मेरी तस्की, मेरा सुकून छीन लिया मुझसे यकायक अचानक इन दो आँखों ने. किसे पड़ी है जो जा सुनाए प्यारे पी को हमारी बत्तियाँ. जिहाले मिसकी चो शम्मा सोजा चो जर्रा हैरा, हमेशा गिरियाँ ब इश्क आमे. जैसे एक फ्लिकरिंग कैंडल लैम्प, जैसे एक हैरा एटम, जो लाइक एन एटम बीइंग टॉस्ड इन द विंड, हैरा, दैट्स माय स्टेट. ना नींद नैना ना अंग चैना, ना आप आवे ना भेजे पतियां. बहा के रोजे विसाले दिलबर, के दर्द मारा गरीब खुसरो. इन ऑनर ऑफ दैट of meeting with that one who has robbed Khusro of all his wealth. Khusro ko gareeb bana diya usne. Sapit man ke varaye rakhun jo ja ke paun
पिया की खटिया। आई विल कीप दिस हार्ट हश्ड इफ आई विन द फेवर ऑफ माई पिया। सो व्हेन आई सिंग दिस सॉन्ग, हम सब में एक तलब है, एक प्यास उस पिया की छतियां, छतियों के लिए, टू रेस्ट ऑन द चेस्ट ऑफ दैट पिया। एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी ग्लोरियस एंड से इनर पिया एंड ऑल दैट। वी लॉन्ग फॉर अ अर्थली पिया। इश्क मजाजी भी है और हकीकी भी एक साथ। Sometimes the chatiya you yearn for is the solace of a departed parent, a father. But we all yearn for that embrace. Jihale meski makun taga ful durae nana banae batiya jihale miski makun taga ful durae nana banae batiya किताबे हिजरा नादाराम है जान नाले हो काहे लगाए छतियां जिहाल मिस्की मगुन तगा सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां जिहाले मिस्की मगुन नादाराम नाले काहे लगाए छतियां जिहाल मिस्की मगुन तगाफुल यकायक दिल दो चश्मे जादू किसे पड़ी है जो जा सुनाए प्यार पी को हमारी बतिया किसे पड़ी है जो जा सुनाए प्यार पी को हमारी मखम तगाफुल चो शम्मा सोजा
शम्मा सोजां जो जर्रा है राम हमेशा गिरियां मैश कामिल ननींद ने ना नायंग चैना ननींद ने नायंग चैना नायाप आवे न भेज पतियां जिहाल मिसके मगुन तगाफु दुराए नैना बनाए बतियां किताबे हिचरा नादाराम है जा नाले हो काहे लगाए छतियां जिहाले मिसके मगुन तगाफुल बहा के रोजे विसार गरीब खुसरो के दाद मारा फरेब खुसरो सपीत मन के वराय रखो सपीत मन के वराय रखो जो जा मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां किताबे हिजरा नादाराम लगाए छतियां जिहाल मिसकी मगुन तगाफुल Jukni. I should work on that one. Good suggestion. Thank you. Na aap aave, na bheje batiyan. I'm speechless. Honestly, I'm speechless. I'm also waiting. A standing ovation, everyone. Thank you. Mm,